अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ईद मेकअप करने लगी हूँ। बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस मेकअप है। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो आप इसमें लाइट शेड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा बोल्ड पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोल्ड मेकअप किया है। तो आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा मेकअप बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने शेफर की बेस लगा ली है और उसको मैंने पाउडर के साथ सेट किया है, ग्लैमरस फेस के आइवरी शेड के साथ। और आईब्रोज़ मैंने ब्लैक जेल लाइनर के साथ फिल किए हैं। अब मैं आईज़ को कंटूर कर रही हूँ एक लाइट ब्राउन शेड के साथ। सर्कुलर मोशंस में हमने एक फ्लफी ब्रश के साथ यहाँ पे शेड को ब्लेंड करना है। और इसके बाद मैं थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का ब्राउन शेड ले रही हूँ और उसको मैं पहले मैंने कंटूर वाले एरिया पे लगा के क्रीज एरिया पे, तो उसको मैंने क्लीन ब्रश के साथ ब्लेंड करना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, ताकि ऊपर की तरफ कोई हार्श लाइन ना रहे। अब मैं आईलिड के ऊपर ब्लैक शेड लगा रही हूँ। हम कोई भी मेकअप करने लगे तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, कलर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें या तो नीचे वाइट शेड लगाना पड़ता है या फिर ब्लैक। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने पहले वाइट वाला बहुत ज़्यादा मेथड किया हुआ है, जिसमें मैंने पहले शेड्स को लगा के फिर उनको मैंने बेस के साथ साफ़ करके फिर मैंने ऊपर शेड लगाए हैं। उस तरह से भी बहुत अच्छी लुक आती है, लेकिन मैंने नोटिस किया कि ये वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। पहले हम अगर ब्लैक शेड लगा लें उसके ऊपर, फिर हम जब कोई लाइट शेड लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उभर के आता है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लाइट सा शेड है। ये वैसे मैंने बहुत दफ़ा लगाया है, लेकिन इसकी इस तरह की लुक कभी भी नहीं बनी जो अभी बनी है। तो अगर हम ब्लैक शेड नीचे लगाएँ तो कोई भी कलर है तो बहुत ही उठ के नज़र आता है। पूरे आईलिड के ऊपर मैं अच्छे से वो शेड लगा के तो उसके अराउंड ब्लैक शेड को लगा रही हूँ, ताकि थोड़ी सी आईज़ में डेप्थ आए। लोअर लैश लाइन पे मैं ब्राउन शेड लगाया पहले। फिर मैं जो आईलिड के ऊपर मैंने शेड लगाया लाइट ग्रीन, वो मैं आईलिड के लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। अगर आप आईज़ को बिगर दिखाना चाहते हैं तो आप ये ट्रिक भी कर सकते हैं, इससे आपकी आईज़ और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी लगेंगी। ब्राउ बोन को मैं वाइट शिमर के साथ हाईलाइट कर रही हूँ। टियर डट को भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ लाइट गोल्डन ब्राउन शेड के साथ। अब मैं लाइट पिंक कलर लगा रही हूँ आईलिड के ऊपर। मैंने एसटी की ग्लो लगाई है और इसके ऊपर अब मैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखने में वाइट लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शेड बनता है। किसी भी शेड के ऊपर हम ये लगाएं तो ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये अब लगाने में वाइट नज़र नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं। वाटर लाइन को मैं वाइट जेल लाइनर के साथ, वाटर लाइन पे मैंने वाइट जेल लाइनर लगाया है।
और लैश लाइन के बिल्कुल साथ साथ मैं हल्का सा ब्लू शेड लगा रही हूँ। इससे और भी ज़्यादा आईज़ की लुक प्यारी होगी। मस्कारा मैं बॉब का यूज़ कर रही हूँ। आईलाइनर मैं क्रिस्टीन का यूज़ कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई मुझे आईलाइनर के बगैर ऐसा लगता है कि मेकअप की लुक कंप्लीट नहीं हुई, तो इस वजह से फिर मैंने आईलाइनर भी लगा लिया। वैसे आप चाहें तो आप लाइनर ना लगाएं, आईलाइनर के बगैर भी बहुत अच्छी लुक आ रही थी। विंग बनाने के लिए आप इस तरह से थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करेंगे तो बहुत ही क्लीनली आपसे विंग लग जाएगा, बन जाएगा। सो हेयर इज़ द फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।